हेलो डॉक्टर फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं खड़ा हूँ कमर्शियल टोयोटा जबलपुर के सामने, रिव्यू करने आया हूँ टोयोटा का अर्बन क्रूजर का। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कमर्शियल टोयोटा जबलपुर को, जिनने मुझे गाड़ी दी रिव्यू करने के लिए। अगर आपको भी टोयोटा के जबलपुर में कोई भी गाड़ी देखनी हो तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, बाकी आपको शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की फॉब की, तो ऐसी दिखती है आपकी गाड़ी की स्मार्ट कीज, जिसमें यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है, सेम ब्रेजा में सेम कीज आती हैं एंड सिर्फ यहाँ पे लोगों का डिफरेंस है, यही बोलना चाहूंगा। गाड़ी की अगर मैं वेरिएंट्स की आपसे बात कर लूँ तो इस गाड़ी में आपको टोटल 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। आपका मिड आता है, उसके ऊपर आपका हाई आता है एंड उसके बाद आपका प्रीमियम आता है। तो ये वाला जो है ये प्रीमियम मॉडल खड़ा हुआ है। बात कर लें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, तो इस गाड़ी में सिर्फ एक ही इंजन आता है जो आपका 1.5 लीटर का मारुति सोर्स्ड इंजन, जो आपको प्रोड्यूस करता है 103 bhp एंड 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो यही एक इंजन ऑप्शन आता है इसमें, बाकी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन बॉक्स के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। चलते हैं हम इस गाड़ी के फ्रंट लुक में, तो यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाएगी। ग्रिल जो आपको दी हुई है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इस गाड़ी की ग्रिल। स्कर्ट प्लेट्स दिए हुए हैं नीचे आपको ग्रे कलर के, दैट्स लुक्स गुड। यहाँ पे अगर हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको LED DRL दी हुई है विथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, सो ये ड्यूअल फंक्शन LED DRL है जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर्स भी चल जाते हैं। नीचे अगर मैं फॉग लैंप की बात करूं तो यहाँ पे अगेन आपको LED फॉग लैंप मिलता है, दैट्स रियली गुड इन दिस कार। सो ये था आपका पूरा ही फ्रंट लुक। चलता हूँ गाड़ी के साइड प्रोफाइल के लुक की तरफ, हम बात करते हैं गाड़ी की साइड से। तो साइड में ना आप इस गाड़ी में कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकते कि ये ब्रेजा है कि अर्बन क्रूजर है, लाइक नो डिफरेंस एट ऑल। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है फॉर योर स्मार्ट की। यहाँ पे आपके ORVMs दिए हुए हैं, सो बॉडी कलर्ड ORVMs हैं। यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं एंड जैसे आप गाड़ी को लॉक करोगे ना तो ये बंद हो जाते हैं, लेकिन अनलॉक पे नहीं खुलते हैं, जब गाड़ी को स्टार्ट करोगे तब ये वापस ओपन हो जाएंगे। गाड़ी के अगर मैं व्हील्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। सो अब देखो साइड में यहाँ पे ना सुजुकी मिसिंग है, अभी इसने लगाया नहीं है, तो अभी तो आप डिफरेंस ही नहीं बता सकते कि अर्बन क्रूजर है कि ब्रेजा है। व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद द साइज ऑफ 215/60R16, दैट्स रियली गुड एंड साइज अच्छा है, विड्थ अच्छी है इसकी। जिसका मिड वेरिएंट आता है ना उसमें आपको 205 का टायर मिलता है, सो उसमें आपको थोड़ा सा लो ग्रेड मिलता है अगर मेरी बात मानो तो। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिल जाता है, दैट्स ऑल्सो रियली गुड। बात कर लूँ इस गाड़ी की अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने मिलता है, मतलब जो गाड़ी की रेंज होने वाली है ना ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप एक फ्यूल टैंक फुल करोगे तो काफ़ी अच्छे लंबा आप जा सकते हो इस गाड़ी से इजीली। अगर मैं बैक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक बड़ी सी अर्बन क्रूजर की फिनिश है, वहाँ पे आपको विटा ब्रेजा की मिलती है, यहाँ पे आपको अर्बन क्रूजर लिखा हुआ मिलता है, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे आपको जो विंडस्क्रीन दी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दी हुई है, तो विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको रेयर वाइपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट्स मिल जाएंगी एंड जो इस गाड़ी के टेल लैम्प्स हैं वो आपको LED में मिलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मेरे को। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा एंड नीचे आपको ऑल फोर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के ड्राइवर डोर के लुक की तरफ, हम बात करते हैं ड्राइवर डोर अंदर की थोड़ी बहुत। सो बस अंदर जाने से पहले एक बात बोलूँगा, जो इस गाड़ी का डिज़ाइन है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर बॉक्सी SUV दिखती है। तो हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, ओपन कर लेते हैं गाड़ी को एंड यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट सेंसर है, सो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ सो गाड़ी लॉक अनलॉक हो सकती है। सो अनलॉक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं गाड़ी के डोर को एंड जो गाड़ी के डोर का ओवरऑल बिल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा हल्का है, बिकॉज ये अगेन मारुति की ब्रेजा ही है, ये टोयोटा की गाड़ी नहीं है जिसमें आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिले या मस्त एकदम, वो नहीं है ये। यहाँ पे आपको ऑल फोर पावर विंडो मिल जाएगी, यहाँ पे ऑटो ऑटो डाउन के साथ है, लॉक अनलॉक का बटन है, विंडो म्यूट का स्विच है, डोर रिलीज है, डोर बेन में आपके आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, फ्रंट ट्विटर फ्रंट स्पीकर दिया हुआ है। अगर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6-8 वे एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, ड्राइवर सीट मैनुअली एंड 6 वे आपकी पैसेंजर मिल जाती है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा आपका, यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स की जगह है थोड़ी बहुत टिकट्स या पैसे ऐसे रखने के लिए। फाइनली टोयोटा अर्बन क्रूजर के अंदर एंड सबसे पहले गाड़ी की सेफ्टी की आपसे बात करना चाहूंगा, इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, 4-स्टार ग्लोबल इनकैप रेटेड है कार। स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेदर स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, लेदर रैप बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। 3-स्पोक का मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील है जिसमें यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको आपके क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे एंड इस साइड पे आपको आपके फोन कंट्रोल टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोयोटा का लोगो है, ब्रेजा में यहीं पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है।
है। एडजस्टमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेलीस्कोपिक का कोई भी फंक्शन नहीं आता है। स्टॉक गेजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपका हेडलैम्प का स्टॉक गेज मिल जाएगा जिसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आ जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको आपके वाइपर का स्टॉक गेज मिल जाएगा जिसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। अगर इस गाड़ी की हम MID और स्पीडोमीटर की बात करें तो आपको सेम ब्रेजा वाला आता है, एंड यहाँ पे आपको वही टू टोन MID आती है, वो कलरफुल वाली TFT MID नहीं आती है। फिर भी इसमें एक बढ़िया सी चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसका एक कलर देख रहे हो रिंग का, इसको आप चेंज कर सकते हो इसकी सेटिंग्स में जाके, यही हो सो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मतलब इसका पार्टी फीचर कह सकते हो, ईस्टर एग कह सकते हो इस गाड़ी का, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। मैं गाड़ी की और बात कर लूँ तो इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है जो इसका ड्राइव है ना, जो आपको बोनट वाला फील आता है ना, दैट लुक्स रियली नाइस ऑन द कार। गाड़ी का हॉर्न चेक कर लेते हैं फटाफट। सो जो गाड़ी का हॉर्न है वो थोड़ा कम है, जो वेन्यू वगैरह ऑफर कर रही है उससे काफ़ी कम है इस गाड़ी का हॉर्न। और मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट डैशबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको डुअल ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में, ऊपर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको नीचे भी मिल जाता है। सो दोनों का स्पेस मिला के ठीक है, मतलब आपका काम हो जाएगा दोनों का स्पेस मिला के। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फुल्ली ब्लैक्ड आउट फिनिश मिलता है। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का फंक्शन मिल जाएगा AC वेंट से। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है इस गाड़ी में, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये इसका टच स्क्रीन है, एंड जो नया वाला टच स्क्रीन है ये वही है जो आपको मारुति की हर गाड़ी में मिलता ना, ये वही टच स्क्रीन है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये वही सेम टच स्क्रीन है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायर्ड मिलता है। सो सेम है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है इस गाड़ी में, सो मैं आपको कैमरा का डिस्प्ले दिखा देता हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर कैमरा है इस गाड़ी का। अनलेस मैंने टाटा की नेक्सॉन अभी देखी थी तो उसका कैमरा इससे थोड़ा सा वीक था, इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको सिंगल जोन क्लाइमेट्रॉनिक ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, उसके पूरे कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको USB पॉइंट मिल जाएगा, एक ऑक्स है एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यही USB के थ्रू आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपका फोन वगैरह रखने की जगह है, 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आपको आपका हैंड ब्रेक दिया हुआ है, इधर पीछे साइड में आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाएंगे, इधर आपको आर्मरेस्ट है जो स्लाइडेबल आता है, एंड दैट्स रियली गुड। सो इससे ना आपका इजी हो जाएगा गियर वगैरह शिफ्ट करना आपको काफ़ी ज़्यादा। ओपनेबल भी है, एंड जो स्पेस है वो काफ़ी डीप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फीचर्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो आपको IRVM है वो ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है, तो ये एक स्मार्ट फीचर लगा मुझे टोयोटा की तरफ से। यहाँ पे आपको आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है आपके सनवाइजर में, जिसमें आपको एक लाइट भी आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट्स रियली गुड। इस साइड भी आपको शायद नहीं, ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हेलोजन रीडिंग लैंप्स दिए हुए हैं गाड़ी में, देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। तो ये था आपका अर्बन क्रूजर की पूरी आगे की कहानी, अब मैं चलता हूँ इस गाड़ी के पीछे की तरफ। सो अब मैं आ चुका हूँ अर्बन क्रूजर के रेयर डोर के लुक की तरफ, गाड़ी के रेयर डोर को मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड हियर यू गो। सो सेम आगे जैसा फिनिश है आपको रेयर डोर में, यहाँ पे आपको डोर रिलीज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आपका पावर विंडो कंट्रोल है, ग्लाब हैंडल दिया हुआ है, डोर बेंच में आराम से आपकी 1 लीटर की बोतल आ जाएगी, रेयर स्पीकर है इस गाड़ी में, आपको 6 स्पीकर मिलता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड बैठते हैं। सो जो स्पेस है गाड़ी के अंदर वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कम भी नहीं बोलूँगा, नी रूम सफिशियंट है, लेग रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, हेड रूम इनफ है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाता है जो 3 kg तक का वेट होल्ड कर सकता है, दैट्स गुड। यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स दिए हुए हैं, पीछे कुछ मिसिंग है तो रियर AC वेंट्स नहीं आते इस गाड़ी में, वो डेफिनेटली एक मिसिंग चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी के अंदर। बाकी अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, पन्नी लगी हुई है तो खोल नहीं पाऊंगा उसको, यहाँ पीछे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। सो ये था इस गाड़ी का पूरा ही बैक सीट। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के बूट की तरफ, मैं आ चुका हूँ अर्बन क्रूजर के बूट की तरफ। सो ओपन कर लेते हैं गाड़ी के बूट को। सो यहाँ पे आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, नॉट मैसिव बट इनफ। यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो दैट्स गुड। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कभी होल्स मिल जाते हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो स्पेस काफ़ी अच्छी निकाली है। एंड एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ पे जो लोड लिप है ना वो कम है, सो आपको सामान निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी गाड़ी से। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैंप दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाता है। इसको ओपन करते हैं, स्पेयर टायर देखते हैं क्या साइज है स्पेयर टायर का। तो यहाँ पे आपको 215/60R16 का स्टील व्हील मिलता है, अलॉय नहीं मिलता है, लेकिन टायर का साइज सेम है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी है टोयोटा ने, बंद कर लेते हैं इसको। सो ये था आपका पूरा ही टोयोटा अर्बन क्रूजर का डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, 4-star NCAP रेटेड भी है। अब बस क्या है कि इन
ब्रेजा में और अर्बन क्रूजर में यही आपको डिसाइड करना है कि आपको लोगो किसका चाहिए, आपको मारुति की गाड़ी चाहिए कि आपको टोयोटा की गाड़ी चाहिए, बस यही आपको डिसाइड करना है। सो यहाँ होता है हमारा वीडियो खत्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉक शिप, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियोज टू योर फ्रेंड्स द फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉक शिप।